नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में कोरोना के बढ़ते कहर पर क्राउन टाइम्स की विशेष कवरेज। जहां एक ओर कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही, वहीं दूसरी ओर कोरोना से ठीक हुए लोगों में ब्लैक फंगस नाम की खतरनाक बीमारी दिखने लगी है। आइए बात करते हैं सा हॉस्पिटल वाराणसी के प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील शाह से, और जानते हैं ब्लैक फंगस किस तरह की बीमारी है, इसके लक्षण क्या है। नमस्कार काशी वासियों, आप लोग को सभी को इस कठिन घड़ी में मेरा नमस्कार और शुभ समाचार कि कोविड 19 के साथ ये ब्लैक फंगस जो आ गया है, इसको हम लोग सभी लोग बच सकते हैं। कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये कि नई बीमारी है, पर जिन लोगों को कोविड हो गया है या जो लोग अनावश्यक रूप से स्टेरॉयड दवा ले रहे हैं, या जिसको खाने से स्टेरॉयड दवा से डायबिटीज़ हो जा रहा है, या जिनको बहुत दिनों तक ऑक्सीजन चल रही है, या उनको अन्य रोग पहले से ही है सर्दी जुकाम खांसी, उनको ये बीमारी होने का ज़्यादा चांस है। तो ये जो ब्लैक फंगस, इसको म्यूकोमाइकोसिस ऑफ ऑर्बिट एंड आई बोलते हैं एंड ब्रेन, ये एक ऐसा फंगस है जो कि यदि पहले हम नहीं पकड़ें इसको तो ये तुरंत अंधापन क्रिएट कर सकता है या ब्रेन में जा कर के मौत भी पैदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलता है, और हमारे पास जो मरीज आए हैं इधर 3 महीने के अंदर, उनमें ज़्यादातर मरीजों की आँखों की रोशनी या तो चली गई है या एक दो मरीजों में हम बचा पाए हैं। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है जानना कि इसके लक्षण क्या हैं। पहला लक्षण यह है कि आँखों में पानी आना और नाक से दुर्गंध और काले रंग का या लाल रंग का जो है डिस्चार्ज, यानी नाक से खून आना। यदि ऐसे लक्षण है, साथ में नाक जाम है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। और कई बार क्या होता है कि आँखों में सूजन आ जाती है। हम जब इस प्रथम लक्षण को मिस कर देते हैं, खाली हम लोग भाप लेते हैं या नॉर्मल लक्षण सर्दी के दवा लेते हैं, तो ये बीमारी बढ़ जाती है और सेकेंड स्टेज में पहुँच जाती है, जिससे इन्फेक्शन मुंह और नाक से बढ़ के आँखों की हड्डी में पहुँच जाता है। तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम। वहाँ जा कर के ये आँखों की नसों को पैरालाइज कर देता है, आँखों की नसों में खून के बहाव को रोक देता है, और अंधापन और आँखों की नसें बाहर आ जाती है, जिसको प्रॉप्टोसिस बोलते हैं। और ये सेकेंड स्टेज है बीमारी की। अगर स्टेज 2 तक अगर हम नहीं पकड़ पाए तो सीधे ब्रेन में इफेक्ट करता है और मरीज कोमा में जा सकता है या उसका जो है पैरालिसिस हो सकती है। ये जो दिक्कत आ गई है हमारे जो पूरे भारतवर्ष में ब्लैक फंगस की, जो कि नाक और आँख दोनों को इफेक्ट कर रहा है, तो ये सोचा जा रहा है कि हम लोग हर तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, कीड़े की दवा ले रहे हैं, मलेरिया की दवा ले रहे हैं, फंगस की दवा ले रहे हैं, हर चीज़ की दवा ले रहे हैं, पर ऐसा क्या हो गया है टीका के बाद भी जो पहले बीमारी कम थी म्यूकस की दवा बढ़ गई एकदम से बीमारी? ये सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि जो कॉमन सेल होते हैं हमारे बॉडी में, वो एंटीबायोटिक से उभर जाते हैं, जो नॉर्मल कॉमन सेल होते हैं, जिनकी वजह से बाकी जो रोगी के कीड़े हैं जैसे म्यूकस माइकोसिस जो नॉर्मली बॉडी में पाया जाता है, ये दबा रहता है। हम जब एंटीबायोटिक खाते हैं बहुत, स्टेरॉयड लेते हैं बहुत, ये फ्लोरा चेंज हो जाता है, तो जिस तरह के जो ग्रोथ वाले फंगस होते हैं जो बॉडी के अंदर दबे रहते हैं, उभर जाते हैं। तो ये हमारे शरीर में जो नाक और मुंह में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जहाँ से हमारी ऑक्सीजन जाती है, जहाँ से हम खाना खाते हैं शरीर के अंदर, अगर यहाँ कोई ब्रेकेज हो जाए, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई छाला पड़ जाए, तो ये फंगस उसके अंदर घुस जाता है। तो मेरा कहना यह है कि विटामिन ए की गोली जो कि हमने बच्चों को दिया 5 साल तक के बच्चों को, उससे उनकी आँखें बची, उससे उनको डायरिया डिसेंट्री बच गया, हर साल उनकी आंखों में सफ़ेदी आ जाती थी, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस अंधापन रुक गया, ऐसे ही मेरा ये सुझाव है जो मैं कि कुछ मरीजों में दे रहा हूँ आजकल, कि 7 दिन से 10 दिन जब तक हमको कोविड का इलाज कर रहे हैं 15 दिन तक, विटामिन ए की गोली सुबह शाम अगर हम लोग लें तो मेरे ख्याल से जो बीमारी म्यूकस की हो गई है ये रोका जा सकता है। इसका ट्रायल हमने शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है। कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, मगर 15 दिन से ज़्यादा ना लें इसको, कोई भी विटामिन 15 से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए।
इसी क्रम में आइए डॉक्टर कोमल शाह से जानते हैं ब्लैक फंगस बीमारी का इलाज क्या है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे जो सबसे कॉमनली आजकल जिसकी चर्चा हो रही है ब्लैक फंगस के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमनली हमें दिख रहा है जो कोविड पेशेंट्स हैं, जिनका कि लंबे समय तक कोविड का इलाज चल रहा है, जो 3 हफ्ते से ज़्यादा जिनको स्टीरॉयड की दवा चलती है, या एक इंजेक्शन जो आप सभी जानते होंगे टोक्यूलिजुमैब के नाम से आती है जो कोविड पेशेंट्स में दी जाती है, या ऐसे मरीज़ जिनको लंबे समय तक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है 3 हफ्ते या उससे ज़्यादा। तो इन मरीज़ों में हमने देखा है कि ये ब्लैक फंगस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे पेशेंट्स में सबसे पहले हमें क्या करना है कि किसी भी मरीज़ जिसको कोविड हुआ है उसको सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है और बिना सलाह के ऑक्सीजन या स्टीरॉयड दवा शुरू नहीं करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी ऑक्सीजन आईसीयू में दी जाती है वो एक पानी के उसके थ्रू आती है, पाइप से, जिसको कहते हैं ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। तो ये ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन जो है वो डिस्टिल वाटर के थ्रू इसको हम ह्यूमिडिफाई करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये चेंज करना हम भूल जाते हैं अस्पतालों में, जिसकी वजह से उस पानी में फंगस ग्रो करता है और इस ऑक्सीजन के थ्रू हमें हमारे नाक कान गले में फंगस ग्रो करता है। तो दूसरी बात ये है कि आईसीयू में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका ये बहुत ही बड़ा रोल है कि वो इस ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन को जो सप्लाई हो रही है उसकी साफ़ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात ये है कि जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनको अपने चारों तरफ और अपना स्वयं का साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। चौथी बात ये है कि जो स्टीरॉयड चलती है उससे हमारा शुगर अनियंत्रित हो जाता है, तो शुगर का स्ट्रिक्ट कंट्रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो पेशेंट्स कोविड के हैं उनके लिए भी, और जो नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका भी स्टीरॉयड का कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हमें ऐसा कोई मरीज़ दिखता है जिसमें हमें लगता है कि हम सस्पेक्ट करते हैं कि ब्लैक फंगस हो सकता है, जैसे नाक से दुर्गंध आना, या अगर उनके नाक से खून आ रहा है या मवाद आ रहा है, तो उनमें हम एक दवा है जिसको कहते हैं पूसाकोनाजोल, वो हम एक प्रोफाइलैक्टिक तरीके से शुरू कर सकते हैं। पर ये उन मरीज़ों के लिए जिनका माइल्ड जिनको बीमारी हुई है। पर अगर कोई मरीज़ है जिसकी आँख या ब्रेन तक इन्फेक्शन पहुँच गया है तो उसमें या तो सर्जरी या फिर हम एक इंट्रावीनस एम्फोटेरिसिन बी की दवा चलाते हैं और वही एक इलाज है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जिनको भी कोविड है वो बीटाडीन गार्गल सुबह शाम ज़रूर करें नियमित तौर से, इससे हमारे मुंह व नाक में जो भी कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। क्लाउन टाइम्स की खबरों को देखने के लिए यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।